हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सर्विस श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द संदेश इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में जो है हम यहाँ पर देखेंगे, आप जो है ये सी फॉर कंप्यूट होता है, कंप्यूट मीन्स होता है आकलन करना। आकलन करने का मतलब होता है कि यदि किसी भी फाइल को हम लोग जो है यदि हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस फाइल को हम लोग कहाँ पर रखना होगा, सी में रखेंगे, डी में रखेंगे, कहाँ पर भी हम उससे उसको ऑर्गेनाइज हम लोग कैसे इसको जो है रख पाएंगे, तो वो क्या होता है, वो सी फॉर कंप्यूट होता है उसको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है सी फॉर ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज मीन्स होता है व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो होते हैं जैसे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ये सब सारी चीजें जो होती हैं, तो उस फाइल को हम कहाँ पर रखनी होती है, कैसे क्या करते हैं, ये सब सारी चीजें जो है या हम लोग डेस्कटॉप पर रखेंगे या किसी फोल्डर में रखेंगे, तो हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ठीक है, एंड एम फॉर मेमोरी होता है। मेमोरी में होता है स्मृति होती है। स्मृति का मतलब होता है कि ह्यूमन पर्सन के पास जिस प्रकार से जो है अपनी मेमोरी होती है, मेमोरी कार्य करती है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, वह भी मेमोरी के द्वारा ही वर्क करता है। यदि कंप्यूटर का मेमोरी हम लोग जो निकाल लेते हैं तो कंप्यूटर हमारी क्या हो जाएगी, पूरी टेट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर में मेमोरी होना जरूरी है, जिस प्रकार से किसी भी मनुष्य के पास जो मेमोरी का होना जरूरी है, उसी प्रकार से जो क्या है आपका कंप्यूटर में भी मेमोरी होना जरूरी होगा आपका, तभी वो कार्य कर पाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं पी फॉर प्रिंट होता है। प्रिंट मीन्स होता है छपाई करना होता है। यदि हम किसी भी प्रकार के यदि हम प्रिंट करना चाहते हैं, किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग आसानी पूर्वक जो है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं आपका। ठीक है, एंड यू फॉर अपडेट होता है। अपडेट मीन्स होता है जैसे किसी फाइल को हम एक्टिव करना होता है या सक्रिय करना होता है, तो हम लोग जो है फाइल को हम अपडेट भी कर सकते हैं आपका जो है। एंड टी फॉर टेबल होता है। टेबल मीन्स होता है तालिका होती है। टेबल मीन्स तालिका होगा जो कि यदि हम अपनी आवश्यकता अनुसार यदि हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं आपका, जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो टेबल जो बनाया गया था, इस टेबल में जैसे मान लीजिए आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, आपका यहाँ पर नेम है, फादर है, एड्रेस, स्टेट है, जो भी आप जैसे आपकी नीड होगी उसके उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे आपका एक टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे आपका आर फॉर रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स मीन्स होता है प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब होगा कि जैसे कोई भी होगा हमारा मीन्स कोई भी रिजल्ट हम लोग इनपुट करते हैं, उसका जो रिस्पॉन्स हमको जो मिलेगा वो क्या हमारा होगा, वो रिस्पॉन्स होगा आपका एट लास्ट में। जैसे मान लीजिए कोई हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे हमने 10+5 हमने दे दिया तो प्लस करने के लिए, तो वो आपको उसका जो भी उसका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा आपका। एंड एट लास्ट में हम आपको दिखा दें कि बहुत से ऐसे होते हैं कि यहाँ पर जो है कंफ्यूजन होता है कि सी फॉर कंप्यूट कभी होता है, कभी कॉमन लिखा जाता है, कभी ओ फॉर ऑर्गेनाइज होता है, कभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते हैं। तो जो भी आप लिखते हैं सब सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। लेकिन आपका यहाँ पर जो है एक यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे यदि कहीं पर भी आपको किसी कॉपी ओवर में या कहीं पर भी किसी को बताना होता है या कभी इस तरह का आपको कैसे किसी एग्जाम में आपको मतलब क्वेश्चंस जो भी से रिलेटेड आपके आते हैं, तो उसका उसमें जो है फुल फॉर्म जो होते हैं इसका ये होगा सी फॉर जैसे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ओ फॉर ऑपरेटिंग हो जाएगी। एम फॉर जो होगा मशीन हो जाएगा। पी फॉर क्या होगा, पार्टिकुलरी हो जाएगा। यू फॉर क्या होगा, यूज्ड फॉर होगा। एंड टी क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। एंड आर फॉर रिसर्च होगा। मीन्स फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगा, कॉमन, ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरी, यूज फॉर, ट्रेनिंग, रिसर्च। ये आपको कोई भी पर्सन के सामने आपको बताना होगा तो आप ये बता सकते हैं, या तो आपको ये आपको बताना होगा तो भी बता सकते हैं आपका जो है। ये इस तरह से ये कंप्यूटर का जो है ये फुल फॉर्म रहा आपका। और हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो है, और इसमें जो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।